वो मतलब काफी ना सुनसान जगह पे, तहज्जुद का वक्त था, हाँ सूरज अभी नहीं निकला, बिल्कुल। और वो वहां पे बैठी है, उसके बाल लंबे, उनके बकौल उसके बाल लंबे से वो बैठी हुई। तो हुआ ये था कि रात के वक्त ना लोगों ने इवन घर से निकलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन दिनों में एक ना अफवाह फैली थी कि गांव में दो चुड़ैलें आके बसी हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और मौजूद हैं मेरे साथ हसीब अहमद। हसीब अहमद हैं एक यूट्यूब के पबजी चैनल को चलाते हैं और ये बेसिकली एक पबजी प्लेयर हैं, बहुत अच्छे और तगड़े किस्म के पबजी प्लेयर हैं। तो ये बेसिकली यूट्यूब पर अपनी शॉर्ट्स लगाते हैं और मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं। तो अब आप देख रहे होंगे यकीनन कि सेटअप बहुत ही चेंज है, बल्कि टोटली मुख्तलिफ है। और उसकी वजह यह है कि रिसेंटली मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक जिक्र किया था कि समथिंग एक्साइटिंग एंड स्पूकी इज़ कमिंग। तो हुआ कुछ इस तरह से कि रिसेंट कुछ दिनों में मैं एज यूजुअल अपनी रूटीन के मुताबिक, हम दो दोस्त निकले हुए थे वापसी पर, जब हम हमारे घर रुके मुझे छोड़ने के लिए, वहाँ पर हमारी गुफ्तगू छिड़ गई जिन स्टोरीज़ के हवाले से। तो भाईजान ने मुझे ऐसी ऐसी गज़ब की कहानियाँ सुनाई कि मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक एपिसोड बनाया जाए कि रियल लाइफ स्टोरीज़ जो बड़ों के साथ पेश आई, फिर उनके साथ क्या कुछ हैपनिंग्स हुई, बड़ी स्पूकी सी हॉन्टेड सी एक सिनेरियो बन जाता है वो। तो इन्होंने वो सब मुझे बताया, तो मैंने कहा कि यार डेफिनेटली वी शुड वर्क ऑन इट। तो आज हम मौजूद हैं इनके घर में, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में है, बल्कि उसके भी ऊपर छत के ऊपर है। पीछे आप देख सकते हो कि निज़ाम काफ़ी खाली खाली है, आसपास जानवरों की भी आवाज़ें आ रही हैं, अल्लाह खैर करे। एनी हो, तो ये अपने किस्से सुना रहे थे तो मैंने कहा यार लेट्स डू इट। तो हसीब साहब, हाँ जी, अपार्ट फ्रॉम पबजी, बेसिकली मैं इनका जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप सब जो है इन्हें ज़रूर देखिएगा एंड डू गिव हिम सपोर्ट बिकॉज ही डिज़र्व्स इट। एनी हो, तो हसीब साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुना? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा इसकी वजह से। हाँ, वो मुझे लग रहा है। हाँ ऐसी ही बात है। अच्छा तो यार आपने मुझे बहुत सारी जिन स्टोरी सुनाई, जी। और मज़े की बात तो ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं कॉफ़ीज़ और चाय के जो कप हैं अपने पास पकड़ लें, हमारे पास तो मौजूद नहीं है। नहीं है, तो सर्दियों की वाइब जो है ना, हम बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। ऊपर रोटी शोटी पहन के बैठे और ठंड बहुत है, तो आप लोग मज़े करें और हम लोग जो हैं गुफ्तगू हम करते हैं। गुफ्तगू करते हैं। तो सर आप किससे सुना रहे थे बहुत ज़्यादा, कभी बरनाले के जो नाना जी हैं हाँ उनके, फिर वदूद के वगैरह वगैरह, हाँ अच्छा वो वाला तो चुड़ैलों का भी जो जिक्र था। वो इस तरह था ना कि पुराने वक्तों में जो गांव का माहौल इस तरह होता था कि सारे जो होते थे ना सहन में सोया करते थे हाँ चारपाई पे, और जो गांव में इस तरह होता है कि जो घर होते हैं ना उनकी छत जो होती है ना वो एक साथ होती है। तो इस तरह था कि, और उस टाइम ये होता था कि कोई क्लोज किचन का कोई हिसाब नहीं था, ओपन होता होते थे। ओपन हाँ किचन होते थे वो भी ना सहन में होते थे, सहन में वो जो मिट्टी वगैरह के मिट्टी उन्होंने हाँ के बनाए वही। होते थे। तो इस तरह हुआ कि एज रूटीन सारे सो रहे हैं, तो मेरी नानो की बहन है जिनको हम प्यार से बरनाले वाले नानजन कहते हैं, हाँ। तो इस तरह हुआ कि वो उनकी आंख खुली किसी ना खटखट की वजह से, अच्छा। हाँ कुछ उनको आवाज़ आई। तो इस तरह हुआ कि कहते हैं कि जो चीज़ें होती हैं ना जो जो गैर मखलूक मखलूक होती होती हैं, हाँ हैं, गैर मरी गैर मखलूक मखलूक होती हैं, जिन्नात कह लें। वो दूध और इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत आती हैं, अच्छा। मतलब कहा जाता है। सही, अब इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ऑब्वियसली जो हकीकत मैंने से सुना है तो वो मैं आपको हाँ। बताऊंगा। तो इस तरह हुआ कि उनको आवाज़ आई बर्तन की, तो उन्होंने देखा कि एक साया नुमा कह लें चीज़ या गैर मखलूक की चीज़ कह लें, अक्स अभी कह उनको उसके बारे में पता नहीं था, श्योरिटी नहीं थी। श्योरिटी नहीं थी, उनको लगा कि कोई और है, जो कोई लड़की आई है जो भी है वो मतलब दूसरे घर से आई है और हाँ यहाँ से दूध चोरी करके जा रही है। अच्छा। तो इस तरह हुआ कि उन्होंने देखा वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी अपने हमारे घर के ना, सीढ़ियाँ चढ़ के छत से दूसरे छत पे जाने लगी। अच्छा। तो उन्होंने देखा उसको, तो उन्होंने पहली दफ़ा तो जाके उससे दूध ले लिया, उन्होंने आके वापस रखा। अब थोड़ी देर बाद वही चीज़ गैर मखलूकी चीज़ वापस आई और वही दूध की चीज़ उठा के वापस लेके जाने लगी, सीढ़ियाँ चढ़ने दोबारा। लगी। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि जब उन्होंने उससे छीना ना, मतलब उनसे लिया, उससे लिया, तो जब उन्होंने उसकी आंखें देखी, मतलब उसका चेहरा देखा, हाँ तो कहते हैं कि उनके मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब जान निकल गई ऐसे कह लें, ओ बॉय। और चीख मार दी उन्होंने। मतलब ये हमने हाँ। सुना है, और ये वाक्य मतलब उन्होंने क्या है कि आंखों देखी उन्होंने। यानी कि वो जो उन्होंने देखा हाँ वो
इट वॉज नॉट ह्यूमन नॉट ह्यूमन एट ऑल. तो वो वाकया था जो मैंने आपको बताया था यार, वो वाकई उस दिन रात को भी सुन के ना मैं थोड़ा परेशान सा हो गया था. मैं खुद ये वो अच्छा वो एक वो बेली का जो दरख्त था. हाँ, अरे वो जो हमारा गाँव है ना वो मतलब काफी ना सुनसान जगह पे, तो काफी पुराना कह लो कि वो गांव है. तो उधर इस तरह की मतलब जो चीजें मतलब गैर आबाद हो और इंसान बाद में आए हो, वही बात है. तो इस तरह हुआ कि अब हमारी ना बिरादरी में ना एक आंटी रहती है, तो अब वो फौत हो गई अल्लाह जन्नत नसीब करे. तो उनकी आंखों देखी ये वाकया था कि उनको आदत थी कि तहज्जुद के टाइम ना उठ के नमाज पढ़ने की. अच्छा, उस टाइम पे ये होता था कि जो रोजमर्रा के एरेंड्स होते थे ना, मतलब ये जो काम काज होने, वो उन्होंने सुबह सुबह उसी टाइम ना कर लेने करने, मतलब सेहन साफ करना, कूड़ा बाहर फेंकना. तो यही वाकया था कि एक दिन ना वो इसी टाइम तहज्जुद के टाइम उन्होंने झाड़ू मारा और कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जा रहे हैं. मतलब वो इस तरह करते थे ना कि बाहर फेंक दिया ऑब्वियसली, उसको बाद में जला दिया जो भी है. हाँ हाँ. तो घर के बिल्कुल साथ ही आगे ना बेरी का दरख्त था. अब उन्होंने उधर देखा है कि एक औरत बैठी है, ठीक है. अब वो परेशान हो गई है उस वक्त. उन्होंने पूछा है उससे जाकर, मतलब पूछा है कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो. तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद का वक्त था. हाँ हाँ. सूरज अभी नहीं निकला बिल्कुल. और वो वहाँ पे बैठी है, उसके बाल लंबे, उनके बकौल उसके बाल लंबे से बैठी हुई. अब वो उससे जाके पूछती है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे लड़की. तो जैसे ही वो उठती है ना, और सेम वही सीन होता है कि वो जब उसकी शक्ल देखती हैं तो उनके साथ भी वही सीन होता है कि कह लो कि उनके भी ना आसान खता हो गए, ठीक है. हाँ, तो यही हुआ कि फिर उसके बाद उन्होंने ये वाक्य सुनाया. तो ये बाकी ये कहते भी हैं कि बेरी के दरख्त के नीचे ना अक्सर कोई भी दरख्त हो, किकर का दरख्त हो, नहीं करना चाहिए. हाँ, खास तौर पे जितने पुराने दरख्त होते हैं ना, उनके नीचे ऐसे मोटी मोटी झाड़ होती है, उनकी एज के साथ ऐसे ही करना चाहिए, परहेज करना चाहिए दरख्तों के नीचे से जाने के लिए. तो ये दो वाकया थे उधर के गांव के. अब हमारे ना गांव में जो हमारा घर है उसके साथ ही बिल्कुल कब्रिस्तान है. अच्छा, दीवार के बिल्कुल साथ, दीवार के बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान है. तो अब ये सीन है कि अब देखो, अब कब्रिस्तान है, वैसे भी बंदा डरता तो है ऑब्वियसली, ठीक है. मतलब सबकॉन्शियस में ये बात चल रही होती है ना कोई चीज तो होगी. Yep. और ये हकीकतें होती हैं डेफिनेटली. तो अब ये इस तरह है कि वो जो कब्रिस्तान है वो बहुत पुराना है. अब ये नहीं पता कि घर जो है वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है या फिर वो जमीन जो सादी जमीन है उसके ऊपर. तो इस तरह ही होता था कि हम अक्सर ना रात को लेटे हो ना, सारे घर में गाँव में ये होता था कि 8 बजे रात हो जानी, सबने सो सुनसान हो जाता था ना, सुनसान सब. सर्दियों के दिन थे या नॉर्मल? सर्दियों के दिन थे, फिर तो रातें और भी तारीख होती थी. सारे सो गए हैं, अंदर सो गए हैं रजाइयों में. अब इस तरह होना करना कि अक्सर हमें ना सीढ़ियाँ चढ़ने की बात आने लगी. अच्छा, प्रॉपर बाहर से. घरों में ना, गांव के घरों में इस तरह होता था, जो पुराने घर होते थे उनकी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, बाहर से ऊपर जाती हैं, अंदर से नहीं जाती. अच्छा. तो जो हमारा घर है ना उसकी बाहर से जाती हैं. अब ये हिसाब है कि कोई बंदा बाहर भी नहीं है और हमें सीढ़ियाँ चढ़ने की बात होती है. डैम ब्रो. और ये, और उसके बाद ये एक और चीज़ है कि हमारा जो गांव है ना उसके अंदर एक पानी खड़ा होता है एक जगह पे, मतलब बहाव हुआ पानी का, तो उसको कहते हैं चोई पंजाबी में. हाँ हाँ, डेफिनेटली. तो एक हमारे हाफिज साहब हैं, मतलब उनके पास बहुत इल्म है, कहते हैं साहिब इल्म. तो वो जब आए थे ना एक दफ़ा गाँव आए थे ये वाक्यों के बाद, तो उन्होंने कहा था कि उनका पूरा शहर बसता है उधर, और जो उनका रास्ता है ना हमारे घर की दूसरी साइड से ना रास्ता जाता है. ओह, आई सी. तो अब यह है कि उसी रास्ते के अंदर एक घर बना हुआ है. अब उस घर का ये हिसाब है कि जो वहाँ पे आंटी रहती है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह लो परेशान रहती हैं, मतलब थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो गई, मेंटली अपसेट हो गई. अच्छा, आप वो मेंटली अपसेट हो चुकी हैं? हो चुकी हैं. तो ये अम्मी भी बताती हैं कि काफ़ी जिस तरह पहले थी ना, अब वैसे नहीं रही, वैसे नहीं रही वाकई. तो ये होता था, कहती अब वो जो आंटी बताती थी ना, वो कहती थी कि मैं रात को सोई होंगी तो जब मैं उठूंगी तो मुझे हर तरफ चीज़ें नजर आएंगी, गैर मखलूक नजर आएगी, मखलूक नजर आएगी.
ठीक है, उसके बाद ये होगा कि उनका एक छोटा बेटा वो बाहर चला गया, तो कभी बार कहती है कि मुझे घर के अंदर से उसकी आवाज आने लग जाएगी। अच्छा, आवाज आएगी, प्रॉपर आवाज आएगी। कभी कभार वो नमूदार भी हो जाएगा, सामने नजर आएगा बेटे के रूप में, बेटे के रूप में, मतलब इस तरह। और इसी तरह उनका ना जो है ना मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा ना खराब हो, खराब हो गया यार, क्योंकि अब वो, अब गलती उनकी भी नहीं है, अब गलती उनकी भी नहीं है, मतलब कह लो दोनों की गलती नहीं है, पर एक चीज है ना कि उनके रास्ते के अंदर आ गए, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ से गुजर के ना वो पानी की तरफ जाते हैं। अच्छा, मतलब बसते उधर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, उनका गुजर यहाँ से है, रास्ता एक बना हुआ है प्रॉपर, तो उस तरफ है। अच्छा, मुझे ना ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और मेरा इस पे एक सवाल भी बनता है। एक और पहले मैं वाकया सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड, कि एक मरतबा एक शादी की तकरीब चल रही थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कि उस वाक्य की क्या है ओरिजिन्स वगैरह। मफहूम ये कि शादी की तकरीब चल रही थी, चंद मेहमान जो शादी वाला घर था वहाँ पर तशरीफ़ लाए, और तशरीफ़ लाने के बाद जो एक मर्द हजरात थे वो दूसरे किसी कमरों वगैरह में शिफ्ट हो गए होते हैं, दिस एंड दैट। तो जहाँ पर मर्द हजरात थे उधर में एक खास कॉर्नर था जहाँ पर सोने से मना किया गया था। अच्छा, तो अब जो जिन जनाब को उधर सोने से मना किया गया था उनके लिए जगह कम पड़ी थी, कहते थोड़ी था पैदी नींद ही नहीं आती बंदे तो यही हिसाब हुआ था उनके साथ, तो उन्हें नींद नहीं, कहते हैं यार अच्छी भली खाली जगह पड़ी। अब हॉस्टल में हम होते हैं, हमें कोई कहे कि यार तुम वो खुली जगह छोड़ के इधर मेरे साथ आओ, जप्पा चप्पा मार के सोते। अब वो जनाब कहेंगे यार इतनी ज्यादा जगह है तो मैं वहां अपना गद्दा डाल के तो सो लेता हूँ। जनाब उन्होंने क्या किया, गद्दा घसीटा उधर डाल के सो। अच्छा, बल्कि गद्दा नहीं था, सॉरी चारपाई थी जो उन्होंने वहां पर घसीटी और वहां पर सो गए। और वहां पर सो गए। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब उनकी आंख लगी रही थी ऑलमोस्ट, तो वो चारपाई जो थी उलट गई और वो नीचे जमीन पे तशरीफ ले गए। वो उनकी जगह हो गई ना। अब वो यही कह रहे थे कि जिन्होंने बताया ना कि यहाँ पर सोने से मना इसलिए किया गया था कि यहाँ पर बेसिकली कोई और है बेसिकली जो यहाँ पर आके सोते हैं या सोता है, तो आप किसी की ऑब्वियसली जगह पर सो जगह पे सो पर्सनल स्पेस में आओगे। मगर यही मेरा सवाल है कि जो रास्ते का आपने जिक्र किया, इस तरह के मैंने वो भी काफी वाकया सुने कि फलाने जगह से गुरेज करो ये उनका रास्ता है। रास्ता बंदा पूछे ठीक है, कोई माड़ा जगह बंदा गलती है ना, पहली आ गया, मतलब सो गया उतू गुजर गया, तो आप लोग साइड से गुजर जाए, नहीं ऐसा क्यों है, कोई उनकी डायमेंशन उनके दुनिया की इस तरह से है इस बारे में, तो मैं है हमारी तरह वो तो वहाँ से गुजरती गुजरते काफी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो जाती है ये ना, काफी ज्यादा नहीं मगर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो और कोई किस्सा आपके जहन में हो अपने पुराने घर के रिलेटेड है वो जो तुम कहते। अच्छा, तुमने जिक्र किया था कि उन आंटी को ऐसे लगता है कि उनके बेटा जो है अपनी आवाज में उन्हें पुकार है। हाँ ठीक है, तो कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा हो कि पीछे से किसी ने तुम्हारा नाम लेके आवाज दी है मगर पीछे कोई भी ना, ये इस घर में बैठे हैं इस घर वाकई बात है, हकीकतन बात है। अब ये जो घर है ना इसके आसपास कोई घर नहीं था पहले, मॉल टाउन में नया नया बना था और आसपास के जो इलाके ना अभी उस वक्त आबाद नहीं था, राइट अकेला घर था। तो हम जब अपने पुराने घर से शिफ्ट हुए ना इधर, तो साफ ये हुआ कि लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी, तो मुझे इधर खड़ा मतलब बिठा गए कि आ रहे हैं बंदे तो देखते जो मतलब सामान रखते जो। तो उस टाइम मैं अपना आर्किटेक्चर का काम भी कर रहा था, मैं ड्राफ्टिंग का काम कर रहा था अपने ना टीवी लाउंज के दरवाजे के आगे बैठ के, लाइट नहीं थी तो बाहर बैठा होता शाम के टाइम में। अब इस घर में अभी हम आए नहीं हैं, ठीक है घर अभी हाल ही है, अभी चीज़ें भी नहीं रखी पूरी मतलब आ रही हैं, तो मुझे एकदम से आवाज़ आती है मेरे नाम की, हसीब तुम्हारे नाम की, मेरे नाम की आवाज़। अब मेरी सब कॉन्शियस थी वो या फिर मुझे वाकई आवाज आई। अब बंदा होता ना, कुछ बंदे पहले होते हैं कि यार इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक हो सकता है, वहम हो सकता है, वहम हो सकता है, पर उस वक्त जो हालत थी ना, फिर यही हुआ कि मैंने सारा सामान उठाया, मैं बाहर बैठ गया गेट के मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं देता। मुझसे जितने भी जो व्यूअर्स हैं सारे वो तो तमाम लोग एक सवाल करते हैं कि क्या कभी मेरे साथ कुछ वाकया हुआ, तो ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे नाल कभी कुछ भी नहीं हुआ।
कुछ होता है ना, हाँ एक दफ़ा एक ना बड़ा ही वहम था, इत्तेफाक था या क्या था, मगर मैं पर्सनली अगर उसके ऊपर कमेंट करूँ तो मैं उसे ना उसको वहम कह सकता हूँ ना इत्तेफाक कह सकता हूँ, शायद उसे हकीकत भी कह लूँ। मगर फिर बात आ जाती है कि घर था, घर में तो ऐसी बात नहीं थी, मगर खैर मैंने पहले भी ये बताया है वीडियो किसी में एक वाक्य, तो हुआ ये था कि मैं रात को ना लेटा था अपने बिस्तर के ऊपर, तो बाकी घर वाले शायद जाग रहे थे या सो रहे थे, एनी हाउ मुझे इतना याद है कि लॉन्च की जो लाइट थी वो ऑन थी, मेरा दरवाज़ा वगैरह बंद था, तो मैं उल्टी करवट को लेटा हुआ था। अच्छा, तो क्या हुआ कि मैं अभी सोने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उस प्रोसेस में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हुआ ये है कि मुझे कान में ना एक हल्की सी सरगोशी सुनी थी, किसी ने कहा सलाम, वो इतनी क्लियर थी हसीब साहब कि मैं यूँ उल्टा लेटा हूँ ना, मैं बकायदा उठाऊँ, ठीक है, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं और मैं एकदम देख रहा हूँ कि यार क्या हुआ है, इतनी क्लियर मुझे आवाज़ आई थी मेरे नाम की। सेम मेरे साथ इस तरह हुआ था, सेम ही हुआ था जब हसीब की आवाज़ आई, हसीब की आवाज़ आई यार, ये होता है हो सकता है कभी कभार इत्तेफाक भी हो, लाजमी नहीं कि हर बार इत्तेफाक हो। तो सर और उसके अलावा आपका गांव यार बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है कि उधर ना शायद एक दफा आए ना, एपिसोड करते हैं उधर, डन करते हैं, कोई और एक दो वाक्य बताएं ताकि हमारे, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हसीब ने जो अपने गांव के वाकयात बताए हैं मैं तो पहले से सुन चुका हूं, तो अभी शायद गांव से उतने वाक्य हमने नहीं सुने हैं, तो पहले सुनते हैं ताकि फिर आपको क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि वी शुड डेफिनेटली विजिट देयर गांव और थोड़ी एक्सप्लोरेशन करें या वहाँ पर एपिसोड बनाएं, डेफिनेटली मज़ा आएगा। एक और वाक्य है वो थोड़ा ना ब्लैक मैजिक के रिलेटेड है। अच्छा, हाँ, तो ये जो ईद गुजरी, ईद उल अज़हा, हाँ, तो उस दिन क्या हुआ कि हमारा जो जानवर है ना वो रात को आया, ठीक है, ट्रक से अनलोड किया उसको, अब उसको हवेली की तरफ लेके जा रहे हैं। अब वो क्या हुआ है? आपको पता है जब जानवर एक नई जगह पर आता है ना वो थोड़ा सा बुखला जाता है, अक्सर होता है, जो होते हैं ना तेज़ जानवर होते हैं वो देख के ना बाकी जानवरों को देख थोड़े बुखला जाते हैं। तो उसने क्या किया कि हवेली की तरफ गया, अब हवेली से दूसरा रास्ता निकलता है, उधर से भागता हुआ है, ठीक है, हमारे दूसरे गेट से अंदर एंटर हुआ है, हमारी तरफ देखा है, हमारी तरफ दौड़ लगा दी उसने। अच्छा, ठीक है, अब वो आए, हम बचे हैं, वो सीधा जाके ड्राइंग रूम के शीशे को जाके लग गए, शीशा टूट गया, हाँ शीशे के दरवाजे को लग गया, शीशा टूट गया। अब उसके बाद क्या हुआ, वो राउंड टू के लिए गया, वो दोबारा हवेली की तरफ गया, ठीक है, हम देखते रहे। अब हम जो है ना ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर जा नहीं सकते थे, शीशा टूट गया, बाकी एक साथ दरवाजा था वो लॉक था। अब जो है वो वापस आया, ठीक है, तो हम बचने के लिए हम गाड़ियों पे चढ़ गए अपनी, तो वो जो है ना वो मेन गेट को ना मार के टक्कर खोल के बाहर चला गया, निकल गया, भाग गया, अच्छा। नीचे चला गया गाँव में, हमारा जो घर है ना वो ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, रोड जाती है नीचे, वो नीचे चला गया गाँव के अंदर। अब ये हुआ है कि सारे परेशान हो गए हैं कि सुबह ईद है, मतलब अब कुर्बानी करनी है उसकी, जानवर भाग गया, तो अब जो है ना सारे चाचू वगैरह भाई वगैरह उसको ढूंढने चले गए, वो काफी आगे निकल गया। अच्छा, एक हवेली में मिला, फिर वहां से भी भाग गया। अच्छा, उधर से, हाँ, उधर से भी ना हमारे मुलाजिम को घसीटते हुए भाग गया। तो ये हुआ है कि अब वो चले गए, ठीक है, बेले वाली साइड पे, बेला होता है जो होता है ना पानी की साथ जो जगह होती है ना उसको बेला कहते हैं, खुला मैदान कह लो, जहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह सब कुछ, उधर दरख्त वगैरह नहीं होते, आसपास दरख्त होते हैं, ठीक है, तो उस तरफ निकल गया, तो सारे भाई वगैरह उधर चले गए, भाई और चाचू चले गए। अब हम तीन कजन्स थे, हम बैठे हैं अपनी उसी रोड पे जो गांव की तरफ जाती है ना घर से, उस पे बैठे हैं। अब टाइम क्या होगा, 3:30 बज गए होंगे, ढूंढते 3:30, 2:00, 3:00 इतने ही होंगे, अब एग्जैक्टली याद नहीं मुझे, पर यही टाइम था। तो ये हुआ है कि हम सारे बैठे हुए हैं इस तरह नीचे ऑन नीज बैठे हैं, या फिर कह लो क्राउच करके बैठे हैं। अब हम देख रहे हैं सामने एक चौक आता है, एक रास्ता इधर से आता है, एक सीधा जाता है गाँव में, ठीक है, हम देख रहे हैं एक औरत इधर से आती है, औरत आती है हमारी तरफ शायद नहीं देखती है, मतलब देखती है कि वो उधर बंदे खड़े हैं। अच्छा, इतना डिस्टेंस था कि वो थोड़ी सी छोटी सी नजर आ रही थी। अच्छा, 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 अच्छा। पर डिस्टेंस ज्यादा ना कि घर ऊपर है गाँव नीचे है, तो वो हमारी तरफ देखती है, इस तरह महसूस होता है, क्योंकि जब आप आपकी तरफ तवज्जो होती है, बॉडी लैंग्वेज, जब चेहरा आपकी तरफ मुड़ता है ना या बॉडी मुड़ती है आपको नजर आ जाता है, बिल्कुल। तो हमने वो देखा, उसने हमारी तरफ देखा, उसने ना क्या कोई पत्थर था क्या था वो रात को, मतलब उसको मारने लग गई चौक में मार रही, हाँ, 3-4 दफा उसने इस तरह किया।
अब उसके बाद ना वो सीधे वाले रास्ते पे निकल के आगे। हाँ ठीक है, को 5-10 मिनट हम उधर हैरान, आधी रात का वक्त है, औरत का यूं देखना, और हमें पता ही नहीं था कि वो औरत है, हमें तो लगा कि और बाद में पहले क्या हुआ जब वो वापस आई तो दो आई, फिर हमें तो फुल हो गया कि यार ये तो वाकई कोई गैर मखलूक है कि एक गई है दो आ गई। जब हमने आगे जाके अपने बड़ों को बताया ना, तो फिर हमारा हवेली का मुलाजम है उसने बताया कि हमारे गांव में नीचे ही ना कुछ औरतें हैं जो कि ब्लैक मैजिक करती हैं, उसमें मुलव्वस हैं, काले जादू में मुलव्वस हैं, ब्लैक मैजिक करती हैं, और वो रात को उस टाइम वही कर रही थी, और हमने उनको मतलब देखा था, विटनेस किया। अच्छा तो इसी वाक्य के बाद ना हमने जब पता किया ना, तो हमारे मुलाजम ने जब बताया हमें कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं। अच्छा ब्लैक मैजिक करती हैं। ब्लैक मैजिक करती हैं बेसिकली। तो उसके बाद ना हमारे एक चाचू का फार्म हाउस है, उनके घर के पास ही है, नीचे वाली साइड पे गाँव के ना, तो वो कहते हैं कि उसने भी ना उनको विटनेस किया था ब्लैक मैजिक करते हुए। अब वो कहते हैं कि मैं ना गैराज की ना छत पे बैठा हुआ था कि तो उसने ना उनके घर मतलब होते हैं दीवारें जो गांव की होती है वो छोटी छोटी होती है, यानी वो ऊपर गए हैं स्मोकिंग करने के लिए, उधर उसने विटनेस किया। हाँ, उसने वो देखा सिनेरियो क्या था कि वो जो आंटी है ना वो एक चारपाई पे खड़ी हुई है, और चारपाई के ऊपर खड़ी हुई बेसिकली, और हाथ में ना बहुत बड़ी तस्बीह पकड़ी हुई और कुछ पड़ी जा रही है। कितनी बड़ी तस्बीह? कह लो कि पैरों तक जा रही होगी। अच्छा, मतलब काफी बड़ी थी। पढ़ रही हैं वो तस्बीह, पढ़ रही हैं। तो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ना अचानक उनको पता नहीं क्या हुआ है, चीख मारी है उन्होंने, ठीक है, और एकदम से ना बेहोश हो गई। जब कहते हैं कि थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई है ना, तो मैं क्योंकि पास ही था तो मैंने उनको कहा कि माई जी आपको अंदर छोड़ो, तो उन्होंने कहा हाँ पुत्र छोड़ो। कहते हैं कि ये मैंने एक और चीज ये विटनेस की। अच्छा, उसको पता था कि ये औरत जो है काले जादू में मुलव्वस है, जाहिर सी बात है, फिर भी इतने प्यार से कि मैं आपको छोड़ूं, ये क्या वजह है इसकी? अब ये तो मुझे इस बारे में नहीं पता। हाँ। बस उसने ये बात मुझे बताई, हमें बताई थी। हाँ। कि अब क्योंकि वो देख रहा था, अब वो जब उसको पता लगा कि वो औरत अपनी असल हालत में आ गई, मतलब उसकी सेंसेस काम कर रही हैं। अच्छा 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 अच्छा। तब वो उनके पास गया क्योंकि बिल्कुल साथ ही कर रहे ना, बिल्कुल। तो उसने कहा कि मैं अब छोड़ा था अंदर। यार ये तो, बहुत हमारे गांव में ना एक इस तरह का किस्सा हुआ था कि आज से कुछ ही अरसा पहले की बात है, तकरीबन 3-4 साल पहले कर लें, तो गांव में ना मशहूर हुआ था कि दो रात के टाइम घर से लोगों ने इवन निकलना भी छोड़ दिया था। चुड़ू क्या होता है, एनी हो। तो हुआ ये था कि रात के वक्त ना लोगों ने इवन घर से निकलना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन दिनों में एक ना अफवाह फैली थी कि गाँव में दो छुड़ैलें आके बसी हैं। अच्छा। और कुछ लोगों ने उनको इवन विटनेस भी किया, इवन बकायदा आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे इल्म में है, आई डोंट नो ऐसा है या नहीं, कि ऐलान भी बकायदा हुआ था मस्जिद में। हाँ, कि एहतियात करें। तो खैर गांव में ना एक बहुत सनसनी सी और खौफ सा फैल चुका हुआ था ना यार, क्या हुआ। खौफ फैल गया हुआ था। तो उन दिनों हम तो खैर शहर शिफ्ट हो गए हुए थे, तो हमें भी पता चला, तो हमने भी सुना। अभी का वाक्य है पहले का? अभी इसी 3-4 साल पहले का। अच्छा। हाँ, तो जनाब क्या हुआ कि सारे खौफ में रात को निकलना बंद, ये वो। फिर एक दफ़ा क्या हुआ कि कुछ अफराद जो थे वो रात को ना ऐसे गश्त करते हैं ना जो लोग, हाँ जी, हाँ जी, स्टॉल वगैरह पर निकलते हैं गाँव में, तो ये निकलते हैं, इजी सीन होता है, इजी सीन होता है, रोक ठोक उस तरह से नहीं। नहीं, तो वो लोग ऐसे गश्त पे निकले, शायद इसी इंटेंशन से निकले कि देखेंगे क्या माजर है। हाँ। तो जब वो अपने गश्त पर निकले थे, दौरा कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने खेतों के बीच में आगे जमीनें आती हैं, हमारे गाँव में एक मज़ार है उससे आगे जमीनें आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आई गेस वहाँ की बात है, खैर गांव में जहाँ पर भी वो ज़मीनें मौजूद थी, जहाँ पर उन लोगों ने देखा था कि दो औरतें जो हैं नाकाबले बयान हालत में। अच्छा। नाकाबले बयान हालत, अब आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि उस हालत में वो खेतों के बीच में या कब्रों के बीच में टहल रही थी। अच्छा। अब वो उन्होंने क्या किया कि घबराने के बजाय ना उनके गन पॉइंट पर जाके उन्होंने रोक लिया, और पता चला कि जनाब वो औरतें थीं जो काले जादू में मुलव्वस थीं, और उनका ताल्लुक गांव से ही था। मेरा मानना ये है कि जिन्नात कभी भी विदाउट पर्पस आपको तंग नहीं करते, इवन अगर आप गुजर रहे हो ना, आप देखो हम खुले में बैठे हैं, हम गुफ्तगु कर रहे हैं जिन्नात की, हो सकता है इधर ममटी पर बैठे, इधर भी हमें सुन रहा हो, देख रहा हो, इधर कोई बैठा हमें देख रहा हो, पॉसिबिलिटी है, घबराने की बात नहीं है, मगर पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पीछे भी हो सकते हैं, उस टैंकी के ऊपर भी, मतलब जैसे हौसला रखी साकड़ी नहीं फुल सा।
तो अगर आप उनके पास से गुजर भी रहे हो ना, दे विल नेवर डू एनीथिंग टू यू, ठीक है, क्योंकि एक प्रिविलेज है उनके पास के वो आपको देख सकते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एक रीजन की वजह से ये एक जो है ना बाउंड्री सेट की गई है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, बिल्कुल। और ये जो जिन्नात होते हैं, जैसे बगैर वजह हम किसी इंसान के साथ पंगा नहीं लेते ना कि हमें होता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, उसी तरह से ये भी कहते नहीं कि अशरफुल मखलूकात इनके ऊपर, कि ये भी डरती हैं बेसिकली इनसे, क्योंकि ईमान की ताकत ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ आपको तब परेशान करती है जब ऑन पर्पस आपके ऊपर कोई ऐसा अमल करवाया गया जो जायज अमल, तो तब जाके ये आपको परेशान करते हो। इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं, क्योंकि देखो अब एक वाकया है, मेरा जो पबजी स्क्वाड है जिनके साथ हम खेलते हैं, सारे उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे ये सारे वो शहरोज ने मुझे ये वाकया बताया था कि उनके कज़न रहते हैं बिलाल फॉरेन कंट्री में। अच्छा, तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊँगा कि उनको बचपन में ना वो किसी से हम कलाम होकर गुफ्तगू करते थे। अच्छा, ठीक है, बाकायदा अलमारी की तरफ देख के दिस एंड दैट। तो उनकी वो जो वालिदा थी बड़े बहुत परेशान होती थी ये, तो हुआ कुछ इस तरह से थे कि वो जो था ना जिससे वो बात करते थे वो बेसिकली जिन का बच्चा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि क्योंकि जिन के बच्चे को वो पसंद आ गया था एज अ फ्रेंड, तो जो जिन था जो उसका उसके वालिद थे, जिनके वालिदैन जो भी थे, उनमें से किसी ने ना इनके किसी बड़े से हम कलाम होकर कहा कि ये अब सिर्फ आपका नहीं बल्कि हमारा बेटों की तरह ही है, और आपका ये बेटा बहुत कामयाब होगा। आज वो जनाब जो है ही इज मतलब वेल सेटेड, फुली वेल्दी पर्सन है इस टाइम, बकौल इन दोनों के जिन्होंने मुझे वाके। तो इस तरह के सिलसिले भी होते हैं, लाजमी नहीं कि हर दफा आपको डराने के लिए, ऐसा एक वाइब बन चुकी है, कहते हैं कि आशिक आशिक मजा आशिक काटा गया जितने भी आशिक मजा नहीं, मैंने इस तरह के काफ़ी वाक्य सुने हैं। अच्छा, अब आपने ये बात की है ना तो मुझे एक वाक्य याद आ गया, हमारे स्कूल का किड्स गैलेक्सी स्कूल होता था हमारा, पुराना काफ़ी ना पुरानी जगह पे था, मतलब पुरानी बिल्डिंग थी उसके अंदर ना, तो उसके सामने ना एक गर्ल्स का स्कूल होता था। अब वहाँ पे एक वाकया बहुत मशहूर था कि एक लड़की थी उसकी ना नात पढ़ती थी ना उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। अच्छा, तो कहते थे उस पर जिन आशिक हो गया उसकी आवाज़ पे, उसकी जो तलावत तलावत करें नात पढ़नी। इस तरह के और भी हैं, वो मैंने ये सुना है कि जी अक्सर ख्वातीन जो हैं खुले बाल जो रखती थी जमाने में, तो उनके ऊपर भी इस तरह के जो थे वो अब तो जो हालात हैं वो तो बिल्कुल ही, मैं कहता हूँ खैर तो छोड़ो, नो कमेंट्स एनी हाउ। तो ये सारे सिलसिले। अच्छा, और तुम्हारे साथ भी वाक्य हुआ? हाँ, एक वाक्य जो रह गया ना वो मतलब जो जिंदगी का ना सबसे अहम कह लो जिसका किरदार है, पुराने घर का था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था, क्योंकि वो ना महकमा जंगलात का दफ्तर हुआ करता था जब ये सोसाइटी बनी ना, उससे पहले वो दफ्तर हुआ करता था। जब सोसाइटी बन गई, दफ्तर बेच दिया गया सोसाइटी को, तो उसके बाद उसको ना घर में ना कन्वर्ट कर दिया गया। right. तो उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा दरख्त था, मुझे दरख्त एग्जैक्टली याद नहीं वो कौन सा था। तो अब कह रहे थे कि जो उसकी शाखें हैं ना, रूट्स होती हैं, वो पूरे घर के अंदर घर के नीचे। हाँ, अब जितना पुराना दरख्त होता है, आपने जिस तरह बताया कि उसी तरह उसके अंदर मखलूकात होती हैं। तो इसी तरह अब टाइम था गर्मियों का, तब जनरेटर चलते थे, अब तो यूपीएस वगैरह का आ गया, तो जनरेटर चलते थे, और जनरेटर का भी ये हिसाब होता था कि पहले पेट्रोल पे करके उसको ना गैस पे किया जाता था। तो एज़ यूजल लाइट गई है, वापडा ने तंग किया हुआ है, मैं छत पे गया हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी होती थी, मैं छत पे गया हूँ, मैंने ना जनरेटर स्टार्ट करना शुरू किया है। अब जो सेल्फ पे नहीं था वो किक पे था, किक देनी होती थी उसकी, तो मैं जो है ना वो किक दे जा रहा हूँ। अब मुझे ना इतना फील हुआ है कि मेरे ना एग्जैक्टली पीछे कोई खड़ा हो। अच्छा, अब ये है कि पूरा छत जो है ना मतलब फुल अंधेरा है, ठीक है, आसपास बड़े बड़े दरख्त हैं, तो सब कॉन्शियस में वो बात चल रही है, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही ना इन चीज़ों से ना मतलब मखलूकात से खौफ आता है। अच्छा, हुआ ये इस तरह कि अब मैं ना मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ। अच्छा, तुम्हें फील हो रहा था कि तुम साथ अपना जनरेटर ऑन कर रहे हो? जनरेटर ऑन कर रहा हूं, एक वो कह लो पीछे से वो जो सेंसेशन आती है, सेंसेशन आती है कि कोई पीछे खड़े होकर देख रहा है। अच्छा, फिर तो मैं जैसे ही ना मुड़ के पीछे देखता हूं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हां हां, तो जैसे ही मैंने देखा ना मुड़ के, तो साए के अंदर से ना एक शक्ल जो चेहरा होता है ना वो नमूदार हुआ। ओ बॉय, तो उधर जो मेरा हालत टाइट हुई, ऑब्वियसली मैंने उधर ही सब कुछ छोड़ा, मैं सीधा नीचे भाग गया।
छत से, छत पे था ना जनरेटर, तो मैं सीधा नीचे बोल। अच्छा वो जो तुम्हें नजर आया था चेहरा, वो मतलब क्लियर था या जस्ट तुम्हें एक? नहीं बस इस तरह वाइट, कह लो वाइट एंड ब्लैक करके इस तरह ही था, क्योंकि उस वक्त अंधेरा भी था। पर तुम्हें मतलब ये कंफर्म था कि कंफर्म था ये चेहरा था? अब उसके बाद मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि उसी रात में मुझे बुखार हो गया, मतलब उस वक्त ये था कि मतलब जान ही निकल गई हो, कैसे मतलब मखलूक को देख के तो शिवर्स आते हैं पूरी बॉडी में जाते हैं फुल, तो बुखार हो गया। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि उस वाक्य के बाद ना मुझे ना इस तरह अपने ना अंदर चेंज फील होने शुरू हो गया, जिस तरह एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आ जाना, तो इस तरह करके ना मतलब छोटी सी बात तो नहीं, मैंने लड़ पड़ना, मुझे गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो ये बात थी, उसके बाद जो अम्मी थी वो देख के परेशान हो जाती है। तो उन्होंने ना मतलब एक दफ़ा ईद पे हम गए थे गाँव, तो मेरे चाचू हैं उनका एक दोस्त हैं पीर हैं कोई, तो शाह साहब कहते हैं उनको भी। अच्छा अच्छा। तो उनको बुलाया हुआ था उन्होंने, वैसे ही उनको मिलने आए थे, तो मुझे अम्मा कहती हैं जाओ मिल के आओ। तो मुझे जब वो कहे ना कि मिल के आओ, तो मुझे अंदर अंदर गुस्सा चढ़े, मैंने नहीं मिलना, मैंने नहीं मिलना, मतलब मुझे अजीब सा लगे कि मैं क्यों मिल के आऊँ, मतलब मिल के आओ उनको, मिल के आओ, वो बस यही कह रहे थे मुलाकात कर लो उनके साथ। पर मुझे कोई ऐसे, मुझे अब मुझे लग रहा था क्योंकि कोई चीज़ मुझे रोक रही है कि मैं ना मिलूँ। अब क्या हुआ कि उनके पास गया हूँ ना, तो उन्होंने मेरे से सलाम लिया, मतलब हाथ मिलाया मैंने उनके साथ, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। फिर जो मेरे साथ हुआ उन्होंने मुझे बताया, जो तुम्हारे साथ हुआ उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया उन्होंने? मतलब उन्होंने ये बताया कि तुम डरे हो, तुम इस तरह डरे हो, तुम्हें कोई चीज़ नजर आई, ये वो ऐसे जो यही जो मैं वाकया बताते बताते जो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, तो वो निशानी है ना कि एक जो आपके पास आपके साथ हो गया है। तो वो तो हो गया है। नहीं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ ठीक है, बहुत मजा है आपके साथ ये पॉडकास्ट टाइप करके पॉडकास्ट ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि मेरा जो इनिशियल पर्पस जो इंटेंशन थी वो यही थी कि जो इनके किस्से वाकयात हैं ये वो खुद सुनाएं, बजाय ये कि मैं उसको नरेट करके सुनाऊं, क्योंकि जो मुझे सुन के मजा आए ऑब्वियसली वो आपको भी सुन के एज इट इज़ ही मज़ा आएगा मोस्ट डेफिनेटली, बल्कि आया होगा क्योंकि अभी तक तो आप लोग ये वीडियो देख चुके होंगे। और खैर तो और कुछ इसके अलावा या बस इतना ही? आपका जो गाँव है यार, हाँ जी, वो तो एक अलग ही वाइब है उधर के, जो आपने किस्से और वाकया सुनाए हैं, तो वो तो डेफिनेटली आपको मैं विजिट कराऊंगा इंशाल्लाह। उधर एक एपिसोड उधर भी करते हैं, पर एपिसोड वैसे किस किस्म में होगा? उधर इस तरह ओपन में बैठ के नहीं होगा मेरे से। अच्छा, रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कर लेंगे ना, वो वीरान में चलते चलते वॉक करते, वो तो फिर आपके साथ मेरी दुआएं होंगी, मैं नहीं होऊंगा। नहीं कुछ करेंगे इंशाल्लाह, कुछ करेंगे, कंपनी ले जाएंगे अपने साथ ताकि ना। हाँ ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कंपनी ले जाने के लिए, फिर वो यही होगा कि आपके साथ कंपनी जाएगी। कंपनी नहीं नहीं कुछ करेंगे इंशाल्लाह जरूर। नहीं नहीं आपको मैं दिखाऊंगा और व्यूअर्स को भी आपके ना दिखाऊंगा डेफिनेटली। प्लीज देखना नेक्स्ट जो अब हम हमारा एपिसोड होगा इसके बाद इंशाल्लाह, वो होगा कि हसीब का जो गाँव है एक नाइट स्टे करेंगे। तो हाँ वहाँ पर एक नाइट स्टे करेंगे। अब वो सरप्राइज है कि उस नाइट स्टे में क्या नाम है आपके लिए, हम क्या जो है सेगमेंट लेकर आएंगे, पर मोस्ट डेफिनेटली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार होगा और वेरी वेरी स्केरी होगा। तो अपने अपने दिल जो है ना वो थाम कर बैठ कर देखिएगा। तो खैर आज के लिए और अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का जो सेगमेंट था ये पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।